डीसी यूनिवर्स का सुपरमैन और नॉर्स माइथोलॉजी का गॉड ऑफ ऑल गॉड्स ज्यूस दोनों ही मोस्ट पावरफुल बीइंग्स हैं। दोनों को हराना बच्चों का खेल नहीं। जहां एक तरफ किंग ऑफ ऑल गॉड्स ज्यूस है, वहां दूसरी तरफ सुपरमैन भी किसी गॉड से कम नहीं। तो क्या होगा अगर इन दोनों का फाइट करवा दिया जाए? तो क्या होगा, यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं गॉड ऑफ वार वाले ज्यूस को इंक्लूड करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि मार्वल और डीसी का ज्यूस सुपरमैन की औकात से बहुत ज़्यादा पावरफुल। डीसी का ज्यूस तो एक चमाटे में ही सुपरमैन को हरा देगा, तो यहाँ हम गॉड ऑफ वार के ज्यूस को लेंगे। हम यहाँ दोनों के फीट्स, पावर्स, एबिलिटीज़ और वीकनेस को डिस्कस करेंगे और लास्ट में देखेंगे कि कौन हो सकता है इस फाइट का विनर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। सो सुपरमैन के फीट्स को देखें तो डिफरेंट कॉमिक्स में सुपरमैन के डिफरेंट फीट्स दिखाए गए हैं। जैसा कि सुपरमैन ने एक जगह 200 क्वानिटेलियन टन्स एक हाथ से ही उठा लिया था। एक दफ़ा सुपरमैन ने टाइम और स्पेस की वॉल को पंच कर दिया था और इसे तोड़ने वाला था। न्यू 52 इशू में सुपरमैन ने अर्थ के करीब वजन को 5 दिन तक बिना कुछ खाए पिए लिफ्ट किया था और इस दौरान उसका सिर्फ एक बूंद पसीना निकला था, और वो भी तब जब सुपरमैन 5 दिन तक सन की रेडिएशन से दूर रहा। जस्टिस लीग इशू 77 में उसने एक छोटे ब्लैक होल जो कि यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता था अपने हाथों से संभाल लिया था। एक दफ़ा सुपरमैन ने पूरे के पूरे गैलेक्सी को बिना किसी एफर्ट के एक चेन के जरिए खींचा था। एक दफ़ा एक पंच के सन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और एक दफ़ा सुपरमैन की एक छींक से पूरी गैलेक्सी डिस्ट्रॉय हो गई थी। और सुपरमैन का सबसे बड़ा फीट ये है कि सुपरमैन ने सोर्स वॉल को ब्रेक कर दिया था। अब मैं आपको बता दूँ कि सोर्स वॉल डीसी यूनिवर्स का एज है, मतलब यहाँ से डीसी यूनिवर्स खत्म हो जाए। इससे पता चलता है कि सुपरमैन कितना ज़्यादा पावरफुल है। ज्यूस के फीट्स को देखें तो ज्यूस ओलंपस का किंग है। ज्यूस अपने आप को थ्रोन पे रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। ज्यूस ने द गॉड किलर क्रेटोस को भी मार दिया था। ज्यूस ओलंपस गॉड्स का फादर है, मतलब ये हर ओलंपस गॉड से पावरफुल है। ज्यूस ने अपने फादर क्रोनोस को भी मार दिया था और पूरी टाइटन काइंड को ख़त्म कर दिया था। ज्यूस हरकुलिस, एरिस, क्रेटोस और बहुत सारे गॉड्स का फादर है, मतलब ये सब गॉड से पावरफुल है। तो अब बात करते हैं सुपरमैन के पावर्स की। तो सुपरमैन के पास है गॉड लाइक स्ट्रेंथ। सुपरमैन लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। उसने बिजारो सिटी को कुछ सेकंड में ही रीबिल्ड कर दिया था, और जूम ने खुद ये एक्सेप्ट किया था कि सुपरमैन जूम जितना पावरफुल है, और फ्लैश से रेस भी किया था। सुपरमैन कुछ सेकंड में प्लूटो से होके आ गया था। सुपरमैन ने 13 बिलियन लाइट ईयर्स को 2 मंथ में पार कर दिया था। सुपरमैन के पास है इन्फिनाइट मास पंच, जिसका पावर का अंदाजा लगाना इम्पॉसिबल है। सुपरमैन बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, उससे किसी भी अर्थ के वेपन का कोई असर नहीं हो सकता। सुपरमैन के बॉडी को सिर्फ क्रिप्टोनाइट से हार्म किया जा सकता है, और उसे मारा भी जा सकता है क्रिप्टोनाइट से, लेकिन इसके अलावा उसे किसी वेपन से हार्म नहीं किया जा सकता। सुपरमैन पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का भी कोई इफेक्ट नहीं होता। सुपरमैन के पास है एक्सेलरेटेड हीलिंग फैक्टर, और सुपरमैन को अपनी सब पावर्स सन से मिलती हैं। जितनी देर सुपरमैन पे सन की रेडिएशन पड़ती रहेगी, उतनी देर तक उसे हार्म नहीं किया जा सकता। सुपरमैन के पास है एक्सरे विजन और हीट विजन। सुपरमैन अपने मुंह से कोल्ड ब्रेथ भी छोड़ सकता है। सुपरमैन के पास है सुपर हियरिंग और फ्लाइट जैसी एबिलिटी। सुपरमैन का सबसे पावरफुल अटैक है सोलार फ्लेयर, जिसे यूज़ करने के बाद सुपरमैन बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। सुपरमैन को क्रिप्टोनाइट और मैजिक से वीक किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं किंग ऑफ ओलंपस गॉड ज्यूस की। तो ज्यूस किंग है ओलंपस का, तो इसका मतलब ज्यूस के पास सब ओलंपस की पावर है। ज्यूस के पास है लाइटनिंग मैनिपुलेशन, क्योंकि ज्यूस गॉड ऑफ लाइटनिंग है, तो ज्यूस लाइटनिंग को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर सकता है। अपनी इसी पावर से उसने अपने फादर क्रोनोस को भी मार दिया था। वो अपने थंडर पावर से लाइटनिंग शील्ड भी बना सकता है और एक्सप्लोजन भी कर सकता है। ज्यूस के पास है वेदर कंट्रोल, जिससे ज्यूस बड़े बड़े थंडर स्टॉर्म ला सकता है। ज्यूस के पास है सुपर स्ट्रेंथ और सुपर स्पीड। ज्यूस स्पीड ऑफ लाइट से दौड़ सकता है। ज्यूस का बॉडी एक्स्ट्रा लेवल ड्यूरेबल है, वो हरकुलिस से भी ज़्यादा ड्यूरेबल है। वो अपने बॉडी साइज को चेंज कर सकता है। ज्यूस अपनी सोल को मैनिपुलेट कर सकता है। ज्यूस डिफरेंट डायमेंशंस में ट्रैवल कर सकता है। ज्यूस टाइम मैनिपुलेशन कर सकता है। एनर्जी और सोल, अपनी बॉडी फॉर्म, वेदर, इन सब को ज्यूस मैनिपुलेट कर सकता है। एंड ऑफकोर्स ज्यूस गॉड ऑफ लाइटनिंग है, तो वो अपने वेपन्स के लिए भी लाइटनिंग का ही यूज़ करता है। ज्यूस जब भी चाहे वेदर मैनिपुलेशन करके लाइटनिंग जनरेट कर सकता है। ज्यूस ऐसे वैसे लाइटनिंग बॉल्स बना सकता है जिन्हें सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ज्यूस को ब्लेड ऑफ ओलंपस से हार्म किया जा सकता है, इवेंचुअली मारा भी जा सकता है। सो गाइस, अब बात करते हैं दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है और कौन जीतेगा इस फाइट को। तो इन दोनों की फाइट का कंक्लूजन निकालना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ विनर होगा जॉन विक। जस्ट किडिंग। तो यहाँ विनर डिक्लेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है,
इन दोनों की फाइट में सुपरमैन को उसका स्पीड और स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा एडवांटेज देगा और गॉड ऑफ वार का ज्यूस इतना ज्यादा पावरफुल नहीं कि वो सुपरमैन को हरा दे। हाँ, अगर ज्यूस को ब्लेड ऑफ ओलिम्पस चलाने का मौका मिल जाए तो मैं यहाँ कुछ नहीं कह सकता। सो इसलिए इस फाइट का विनर होगा सुपरमैन। और एक बात, डीसी और मार्वल के ज्यूस के सामने सुपरमैन एक सेकंड में नहीं टिक पाएगा क्योंकि वो कॉस्मिक एंटिटीज हैं अपने यूनिवर्स की। इसलिए मैंने यहाँ गॉड ऑफ वार के ज्यूस को कंपेयर किया था सुपरमैन से। तो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन था, आपका क्या ओपिनियन है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें और हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फो के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही एक ऑसम वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।